हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एच बी सी वाई सत्या में। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बीएमएस ऑपरेटर की जॉब के बारे में। फ्रेंड्स, मेरे पास कमेंट्स और इंस्टाग्राम पर तो बहुत ज़्यादा मैसेज इसी बात के लिए आते हैं कि बीएमएस का काम सीखना चाहता हूँ, बीएमएस ऑपरेटर बनना चाहता हूँ, बीएमएस ऑपरेटर की जॉब कैसे मिलेगी, बीएमएस ऑपरेटर के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है, बीएमएस ऑपरेटर को क्या काम करना पड़ता है, ड्यूटी टाइमिंग कितनी होती है और बीएमएस ऑपरेटर की सैलरी कितनी होती है। फ्रेंड्स, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा मैसेज मेरे पास इंस्टाग्राम पे आते हैं और लोग इसी को पूछते हैं। पता नहीं बीएमएस ऑपरेटर की जॉब को शायद बहुत अच्छी लग रही है लोगों को, क्योंकि ये एक जगह बैठ के काम करने वाली जॉब है। इसमें थोड़ा प्रोफेशनल भी आप दिखते हो और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। हालांकि बीएमएस के ऊपर बहुत सारी वीडियोस पहले भी बना चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। अगर आपने टेंथ भी किया है ना, टेंथ किया है या ट्वेल्थ कर लिया है, उसके बाद अगर आपको बीएमएस ऑपरेटर बनना है तो कैसे, आपको कौन सा कोर्स करना है और किस तरह से आपको बीएमएस ऑपरेटर की जॉब मिलेगी, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अगर आपने टेंथ कर लिया है या फिर आपने ट्वेल्थ कर लिया है और उसके बाद आप आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते, जो लोग आगे की पढ़ाई कर सकते हैं वो उनको आईटीआई अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आईटीआई कर लो, या तो फिर डिप्लोमा कर लो जो 3 साल का होता है, वो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा जो होते हैं। अगर आपको बीएमएस ऑपरेटर की ही जॉब करनी है तो आपको इलेक्ट्रिकल या एचवीएसी या मैकेनिकल, आप किसी में भी आईटीआई या फिर डिप्लोमा या बीटेक कुछ भी कर लो, आपकी जॉब लग जाएगी। अब फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाई ट्वेल्थ के बाद या टेंथ के बाद हमारी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि हम आईटीआई भी कर पाएँ या डिप्लोमा कर पाएँ या फिर हम बीटेक कर पाएँ, हमें तुरंत जॉब चाहिए। तो फ्रेंड्स, आजकल मार्केट में जो है 3-3, 4-4 महीने के भी कोर्स आ रहे हैं। इन कोर्स को करके जॉब 100% मिल जाती है। क्यों मिल जाती है? क्योंकि मैं खुद 3-4 महीने का कोर्स करके जॉब मुझे मिल गई थी। उसके बाद मैंने बाद में डिप्लोमा अपना कंप्लीट किया और आगे की चीज़ें आगे बढ़ाई फिर। तो फ्रेंड्स, बीएमएस ऑपरेटर के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन आपके पास टेंथ या ट्वेल्थ हो, उसके साथ साथ आपके पास कोई एक कोर्स होना चाहिए, चाहे वो 4 महीने का ही हो, इलेक्ट्रिकल से हो, एचवीएसी से हो या मैकेनिकल से हो, फिर भी मिल जाता है, या आपके पास आईटीआई हो या फिर बीटेक हो, डिप्लोमा हो। इससे ड्यूटी टाइमिंग क्या होता है, 8 घंटे की ड्यूटी रहती है। सैलरी आपको दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव और मुंबई, ये 4-5 शहरों की बता रहा हूँ, 15,000 से 25,000 के बीच में सैलरी आपको मिल जाएगी। डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर और बंदे की नॉलेज के ऊपर। फ्रेंड्स, अगर बीएमएस ऑपरेटर के काम के बारे में बात करें तो बीएमएस से क्या क्या चीज़ें ऑपरेट करते हैं हम। एचवीएसी के सारे इक्विपमेंट ऑपरेट करते हैं, जैसे कि आपके चिलर्स हो गए, आपके एएचयू हो गए, आपके कूलिंग टावर का वाटर लेवल हो गया, उसके मोटराइज वॉल्व, सीटी फैन हो गए, आपका सीसीटीवी कैमरास हो गए, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम हो गया, आपका एलएमएस सिस्टम यानी लाइट मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, डब्ल्यूएलडी रोडेंट हो गया, आपका पीएसी हो गई, और आपका बेसडा हो गया, इंडोर एयर क्वालिटी का जो सेंसर्स होते हैं वो, कूलिंग टावर पैनल्स की रीडिंग, एग्जॉस्ट फैन वगैरह चलाना, यूपीएस की रीडिंग, बहुत सारी चीज़ें आप बीएमएस में बैठे बैठे ऑपरेट कर सकते हैं, उनकी रीडिंग्स को देख सकते हैं। और यही सारी चीज़ें एक बीएमएस ऑपरेटर को हैंडल करनी होती हैं अपनी साइट पर। तो फ्रेंड्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि आपने क्या किया था, यानी मैंने क्या कोर्स किया था और फिर मैं कैसे कैसे बीएमएस ऑपरेटर बना था, फिर कैसे इंजीनियर बना था, तो उसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अब जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एक ये पूछा जाता है कि मुझे बीएमएस ऑपरेटर का काम करना है तो मैं कहाँ से सीखूँ काम, बीएमएस ऑपरेटर का काम कैसे सीखूँ।
तो फ्रेंड्स क्या होता है कि आपने 10th या 12th के बाद मान लो 4 महीने का कोर्स कर लिया। अब 4 महीने का कोर्स कहाँ से करोगे? देखो टाटा स्ट्राइव नाम का एक सेंटर है, टाटा स्ट्राइव का अलीगढ़ में, मुंबई में, जमशेदपुर में और इंडिया में पता नहीं कहाँ कहाँ बहुत सारे सेंटर्स हैं। उसके आप गूगल पर सर्च करके देखो, ICICI बैंक जो है उसका भी सेंटर है जो 3-4 महीने का कोर्स कराते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो है उसके बारे में। फ्रेंड्स और भी बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जो 4-5 महीने का कोर्स कराते हैं, पैसे ज़्यादा नहीं लगते, 3500 से या 15000 रुपये लगते हैं, इतने में बस कोर्स हो जाता है। वो आपकी जॉब भी दिलवाते हैं, और अगर वो जॉब वो नहीं लगवाएंगे, कई लोगों के ये क्वेश्चन आते हैं कि वो जॉब नहीं दिलवाते तब आपको जॉब कैसे मिलनी है, वो भी वीडियो में आगे बताऊंगा। तो फ्रेंड्स BMS ऑपरेटर का काम कैसे सीखना होता है, जैसे आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया और कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको किसी भी कंपनी में असिस्टेंट में, या फिर आपको नॉलेज बहुत अच्छी है तो इलेक्ट्रीशियन में, या तो फिर AC ऑपरेटर में या AC टेक्नीशियन में जॉब करने चले जाओ। अब हर कंपनी में BMS सिस्टम होता है जो कि आप लोगों के ही अंडर में होता है। HVAC वाली टीम या फिर इलेक्ट्रिकल वाली टीम, सारी टीम एक ही टीम होती है, मेंटेनेंस टीम है। तो BMS हर कंपनी में BMS होता है, फ्लोर हो, बिल्डिंग हो, हर कंपनी में आपको BMS मिलेगा। जब आपके वहां पर BMS है तो आप वहां पर काम BMS का आराम से सीख सकते हैं। आपको 6 महीने नहीं लगेंगे या 4 महीने नहीं लगेंगे, BMS बहुत बड़ी चीज नहीं है, बड़े आसानी से कोई भी BMS का काम सीख सकता है। तो इस तरह से तो आपको काम सीखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन आया कि पहली जॉब मिलेगी कैसे, वो भी वीडियो में मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूं मैंने कहां से कोर्स किया था। टाटा स्ट्राइव से किया था, ये देख लो 2017 में कोर्स किया था टाटा स्ट्राइव से। हवा में बात नहीं कर रहा हूं, सारी चीजें एकदम क्लियर बता रहा हूं। टाटा स्ट्राइव से 4-5 महीने का कोर्स किया था, 3500 रुपए का बस। उसके बाद असिस्टेंट में 21 अप्रैल 2017 को जॉब स्टार्ट की थी असिस्टेंट से। उसके कुछ दिन बाद में ये यहाँ पे HVAC ऑपरेटर बना था। HVAC ऑपरेटर के बाद फिर BMS ऑपरेटर बना था। BMS ऑपरेटर के बाद टेक्निकल सुपरवाइजर, टेक्निकल सुपरवाइजर के बाद फिर इंजीनियर। तो 4-5 महीने का कोर्स से स्टार्ट किया, बाद में आपको एजुकेशन आपकी हाई करनी पड़ेगी। 4-5 महीने वाला कोर्स या ITI आपको इंजीनियर नहीं बना सकती, उसके लिए आपको डिप्लोमा या तो फिर BTech करना पड़ेगा। लेकिन जॉब को शुरुआत करने के लिए ये कोर्स बहुत अच्छा रहता है, आपको 100% जॉब मिल जाती है। पहली जॉब कैसे मिलेगी वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। चलिए अगली PPT देख लेते हैं। जब मैं असिस्टेंट की जॉब स्टार्ट किया था 2017 में, ये मेरा चिलर प्लांट था, फर्स्ट डे शायद था ये मेरा, तब फोटो लिया था, ये ऐसा मैं दिखता था 2017 में। ये मेरा BMS रूम था, चिलर प्लांट को खूब क्लीन किया है, कूलिंग टावर खूब क्लीन किए हैं, ये चूका फिल्टर्स क्लीन किए हैं, सारा काम किया है। वहीं पर BMS होता है, वहीं पर BMS का काम सीखा। BMS ऑपरेट करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स BMS ऑपरेटर का और क्या क्या काम होता है, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो BMS ऑपरेटर सिर्फ एक जगह बैठ के नहीं काम करता। BMS ऑपरेटर एक तरह से टेक्निकल सुपरवाइजर होता है। ये टेक्निकल सुपरवाइजर जब बन गया था उस समय का है, फायर की ट्रेनिंग देना, फायर का पूरा काम आप हैंडल कर सकते हैं, टेक्निकल पूरा काम हैंडल कर सकते हैं, टेक्निकल ट्रेनिंग देना, फायर की ट्रेनिंग देना, फायर एक्सटिंग्विशर ऑपरेट करना और बहुत तरह की चीजें आप कर सकते हैं। PPM का प्लान बनाना, जितने भी सारे इक्विपमेंट है ना आपकी साइट पे, उसका पूरे साल का एनुअल PPM प्लान बनाना, उस के अकॉर्डिंग सारे वेंडर्स को बुलाना, PPM करवाना और हिस्ट्री कार्ड और चेकलिस्ट अपडेट करना, ये भी BMS ऑपरेटर का काम होता है। बट सारी साइट पे आपको नहीं मिलेगा, या आपकी कैपेसिटी नहीं है हैंडल करने की तो भी आपको नहीं मिलेगा, तो घबराना मत। BMS ऑपरेटर जो है बहुत बड़ी जॉब नहीं होती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि हाउ टू गेट फर्स्ट जॉब, पहली जॉब कैसे मिलती है। तो फ्रेंड्स सबसे पहली बात तो आप जहां से भी कोर्स करेंगे ना,
वो सेंटर वाले आपका 100% इंटरव्यू करवाते हैं, वहां से जॉब लगवाते हैं। एक दो बार इंटरव्यू कराएंगे, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो आपकी जिंदगी खराब नहीं हो गई। और भी तरीके हैं जॉब ढूंढने के, जॉब्स के ना ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप पे, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। मैं इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप उससे ज्वाइन कर लो। उसमें बहुत सारी वैकेंसी डेली की आती हैं, दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव सारे फील्ड ऑफिसर्स के नंबर आपको उसमें मिल जाएंगे। असिस्टेंट की वैकेंसी आई, असिस्टेंट की वैकेंसी के लिए उन पे कॉल करना, लेकिन आपके पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए 10th के बाद, 12th के बाद आपने कोई कोर्स कर रखा हो, तब आपको जॉब मिल जाएगी। और इसके अलावा जॉब्स के बहुत सारे ऐप भी हैं, जैसे अपना ऐप है, naukri.com का ऐप है, और बहुत सारी वेबसाइट्स भी हैं, जैसे जॉब साइन हो गई, naukri.com हो गई, लिंक्डइन हो गई, और भी बहुत सारी जॉब्स की वो हैं। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप वाली दे दूंगा, ये भी मिल गया, मतलब 10th 12th के बाद कोर्स करना है ये क्लियर हो गया। ड्यूटी कितने घंटे की होती है, काम क्या क्या करना होता है, काम सीखना कहाँ से या कैसे सीखना है वो क्लियर हो गया, लिंक भी मिल जाएगी। अब कुछ बच गया, आराम से आप PMS ऑपरेटर की जॉब के लिए एक रास्ता मिल गया कैसे करना होता है। लेकिन सारे लोग PMS ऑपरेटर की जॉब के लिए मत टूट पड़ना, जिसका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, हर फील्ड में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में आपका कैरियर बना सकते हैं, आप HVAC फील्ड में कैरियर बना सकते हैं, लेकिन आपकी आपको समय के अनुसार अपनी एजुकेशन अपडेट करनी पड़ेगी। क्योंकि मेरे पास ना इस तरह से लोग कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर हमारी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है जी, हम पढ़ाई नहीं कर सकते 10th 12th के बाद, पर 4-5 महीने का कोर्स तो भाई करना ही पड़ेगा। सेंटर आपको मैंने 2 सेंटर के नाम बता दिए, बाकी गूगल पे और भी मिल जाते हैं। अब फ्रेंड्स एक क्या हो रहा है कि कोई ना एक सेंटर खुल गया है जमशेदपुर में, वो क्या करते हैं, वो कह रहे हैं हम जी BMS ऑपरेटर का ही कोर्स करा देते हैं। एक्चुअल में BMS ऑपरेटर का कोई कोर्स नहीं होता, इलेक्ट्रिकल वाले या HVAC वाले ही BMS ऑपरेटर बन जाते हैं, लेकिन वो कोर्स करा रहे हैं। वो अमाउंट कितना चार्ज कर रहे हैं जी, 50,000 50,000 4-5 महीने के कोर्स के लिए, जबकि ये बहुत ज्यादा है। ये BMS ऑपरेटर की जॉब तो आप 4-5 महीने के 3500 से 15,000 रुपए के कोर्स में भी जॉब मिल सकती है ये आपको आराम से। BMS ऑपरेटर का कोर्स करने के बाद भी आपको डायरेक्ट BMS ऑपरेटर की जॉब नहीं मिलेगी, आपको करना स्टार्ट असिस्टेंट से ही पड़ेगा। तो भाई अगर आपकी कैपेसिटी है कि ना मैं तो 50,000 दे सकता हूँ BMS ऑपरेटर के कोर्स के लिए, तो आप दे दो, आप कर लो उस कोर्स को। अगर आप नहीं दे सकते तो कोई और कोर्स कर लो छोटा सा, वरना तो ITI डिप्लोमा या BTech करो, पक्का काम करो और फिर आगे अपनी जॉब स्टार्ट करो। इलेक्ट्रिकल लाइन में भी आप इलेक्ट्रीशियन से इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, फिर इंजीनियर, उसके बाद AFM मैनेजर, कुछ भी बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है, बहुत इजी है। आप जब घर पे बैठे बैठे जब सोच रहे होते हैं ना, जो स्टूडेंट अभी 10th 12th किया है ना, वो बेचारा बैठा बैठा परेशान हो रहा होता है, वो सोचता है कि पता नहीं कितनी बड़ी चीज होगी जॉब करना, लेकिन सब कुछ बहुत आसान है। आप कोर्स करके कंपनी में जैसे ही आप पहुंचोगे ना, फिर आपको सब कुछ बहुत आसान लगने लगेगा। अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ लेना, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अभी लास्ट वीडियो में पूछे गए थे, तो उसमें पूछा था कि UV लाइट्स AHU में किस लिए होती है। तो फ्रेंड्स जैसे कि हॉस्पिटल्स वगैरह में, या तो फिर जहां बायोकेमिकल लैब होती हैं, या तो फिर जो आर्मी के कैंप होते हैं, जहां पे थोड़ी सी भी कोई बैक्टीरिया या डस्ट वगैरह कुछ भी ना जाए, तो यूवी जो लाइट्स होती हैं वो बैक्टीरिया को किल करती हैं। तो ये मोस्टली हॉस्पिटल लाइन में इनका यूज होता है। यहाँ से जैसे एयर सर्कुलेट होती है ना, फ्लोर वाली एयर भी आती है, फ्रेश एयर आती है, उसमें जो भी बैक्टीरिया होगा यहाँ से एयर जब पास होगी तो वो बैक्टीरिया को किल करती है, इसलिए लगाते हैं। अब यू ट्रैप किस लिए होता है, जैसे AHU की ड्रेन लाइन होती है ना, उसमें आपको यू ट्रैप बना हुआ मिलता है, तो वो इसलिए होता है, जैसे AHU चलता है ना तो वो बहुत तेज एयर को सक करता है, तो बाकी एयर तो फिल्टर से होके जा रही होती है, बाकी AHU हर जगह से बंद है, लेकिन ड्रेन के थ्रू AHU खुला होता है, तो ड्रेन में अगर वो पानी नहीं भरा होगा नहीं, तो उधर से एयर जाने लगेगी और उसमें गंदी हवाएं, बैक्टीरियस वगैरह बहुत सारी चीजें चली जाएंगी, वो फिल्टर होके एयर नहीं आएगी, इसलिए ये लगाते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, जो बेचारे 10th 12th करके उन्हें रास्ता पता नहीं चल रहा जी हमें करना क्या है,
अगर आपको पता है रास्ता तब तो आप वो ही कोर्स कर लो, आप डॉक्टरी लाइन में जाओ, इंजीनियरिंग लाइन में जाओ, जो भी आपका फील्ड है, म्यूजिक व्यूजिक स्पोर्ट्स जिसमें जाना चाहो उसमें जाओ। लेकिन अगर बीएमएस में या टेक्निकल में आना है तो ये तरीका है कि आप 10th 12th के बाद आईटीआई डिप्लोमा या तो फिर कोई भी कोर्स करो और जॉब ग्रुप से मिल जाएगी, ऐप से मिल जाएगी, किसी को भी कोई पैसा नहीं देना होता, प्राइवेट जॉब है, आसानी से मिल जाती है, फ्री मिलती है, कभी फ्रॉड के चक्कर में ना पड़े। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दो ताकि उन्हें पता चल जाए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ लो। आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू सो मच।